सारी औरतें बहुत बढ़िया, सारे लोग केक काटिए अभी, बहुत सब लोग ताली बजाएं, सब लोग ताली बजाएंगे, जोर से आवाज आनी चाहिए, बस बस बहुत बढ़िया। कोनो बात नहीं, क्यों मैं छुआ था, बहुत बढ़िया है, नहीं देखा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बस हो गई हो गई। सब लोग बैठ जाए, बाबू हट जा, दादी बस ना, सब लोग बैठ जाइए। तो गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आप एस दीप्ति का राम राम जी, और सारी लेडीज को, माताएं बहनें सभी को मेरी तरफ से हैप्पी वुमन डे। और इसके मैं थोड़ी सी बस बात करना चाहूंगी, बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगी, थोड़ी सी बात करूंगी। बाबू इधर आओ, बस थोड़ी सी बात करूंगी, ज्यादा नहीं, मैं थोड़ी सी बात नहीं, आप समझ जाइएगा। जैसे कि मान लीजिए ये एक लड़की है, तो इसका नाम है आराध्या, क्या नाम है बेटा? इसका नाम है आराध्या, लेकिन आपको मैं बताती हूँ, ये एक आराध्या है, लेकिन इसका कितना नाम पड़ता है मैं आपको बता रही हूँ, जा बैठो बेटा। ये एक आराध्या है, लेकिन जब ये बड़ी होगी, ये किसी की माँ बनेगी, किसी की पत्नी बनेगी, किसी की भाभी बनेगी, किसी की बहन बनेगी, किसी की बुआ बनेगी, यहाँ तक कि किसी की दादी भी बनेगी। जैसे कि ये देखिए माता जी क्या बैठी है, आगे बैठी है, ये माता जी किस तरह है, ऐसे ऐसे ही है। औरतों की परिभाषा जितना ही कहा जाए उतना ही कम है, औरतों की परिभाषा आदमी करने लगे तो शब्द नहीं मिलेगा गाइस, लेकिन मुझे थोड़ी सी जो भी समझ में आया मैं बताई हूँ। और मैं इन औरतों का, जो भी गांव में है, शहर में तो सारे लोग अच्छे से मनाते हैं, लेकिन गांव में इन औरतों को मैंने सोचा कि थोड़ी सी पार्टी करके और औरतों का खुश कर दे, क्योंकि ये भी मेरी माँ है, बहन है, भाभी है, जो भी है, ये लोग भी है, और शायद इन लोग का आशीर्वाद लगे तो मेरे बच्चे बहुत आगे जाए पढ़ने के। बस मेरे कहने का यही मतलब था, और मैंने वुमन की परिभाषा थोड़ी समझाई है। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो ठीक है, अगर आप लोग को बुरा लगा तो मुझे माफ़ करिएगा, जितना मुझे आया मैंने उतना ही बताया कि औरत यही है, यही औरत कभी छोटी बच्ची है, और जिस दिन बड़ी हो गई बच्ची, उस दिन पहले पत्नी बनेगी, फिर माँ बनेगी, फिर चाची बनेगी, फिर बड़ी मम्मी, भाभी, ऐसे करते करते यहाँ तक कि दादी बनेगी। औरतों का पद, औरतों, औरत जो होती है एकदम महान होती है, औरतों का कोई तुलना नहीं होता है, औरत देवी है, नारी शक्ति है, सब कुछ है, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। तो चलिए अपने बारे को यही विश्राम देते हैं, और जो भी माताएं लोग आई हैं, इन लोग का सम्मान देते हुए मैं इन लोग को थोड़ी सी खिलाती हूँ। सारे लोगों ने केक काटा, आपने देखा ही, अब मैं इन लोग को थोड़ी सी खिलाती हूँ। चाकू ले आओ, सबसे पहले दोस्तों मेरी दादी लोग के लिए, जो कि ये मेरी दो दादियां बैठी हैं, सबसे पहले इन लोग के लिए। बेटा ये तो बढ़िया निकाली हो बेटा, खुशी रहे, बनल रहे, तुम्हारी उन्नति और बढ़ती जाए, तुम क्या बहुत अच्छा है, तब भाई लाल है तू, हां कौन राजू आए की करत है। अपने बारे में सोचा।
माँ पालना है, माँ जो है पालना है, जैसे माँ हमारी है, दादी है, हमारे लिए पालना है, माँ हमारी आंचल है। अगर प्यास लगे तो माँ पानी है, भूख लगे तो माँ भोजन करो। माँ वो है जिस माँ का कोई जवाब नहीं। ये हमारी पोती है, ये नाम हमारी कर दी, बड़ा नाम कर दी, हमारी पोती है, बच्चों को अच्छा शिक्षा दे रही है, हम लोग भी खुश हैं, हम लोग भी खुश हैं कि हमारी पोती नाम कर दी। माँ मुझको बंदूक मंगा दो, मैं सैनिक बन जाऊंगा, सीमा पर आए दुश्मन को मैं फिर मार भगाऊंगा, नहीं डरूंगा डटा रहूंगा, पीछे पग न हटाऊंगा। बतला दो तक कैसे जाऊंगा, नाच नाच कर उनके घर में दूध मलाई खाऊंगा। सन सन बहती हवा रात में जाड़े से मैं मरता हूँ, चिठुर चिठुर कर किसी तरह से यात्रा पूरी करता हूँ।